आज फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, नारियल के लड्डू, जो कि हम सभी को बहुत पसंद होते हैं। ये सॉफ्ट और जूसी लड्डू हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, गैस को हमें बिल्कुल धीरे रखना है। लो फ्लेम पे ही हम यहाँ पे एक चम्मच देसी घी डालेंगे। यहाँ हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम नारियल का पाउडर डालेंगे, ये 2 कप है। इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अब इसे हम यहाँ पर 3 मिनट के लिए भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है, इसे डार्क कलर नहीं करना है। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप तेज आंच पर करेंगे तो ये जल जाएगा। इसको आपको लगातार चलाना है, हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो आप देखिए घी में बुरादा अच्छे से मिल गया है। लगभग अब ये 3 मिनट हो चुके हैं और ये भून भी चुका है। अब इसमें हम 1.5 कप दूध डालेंगे। यहाँ पर हम गैस को मीडियम कर देंगे। अब मिल्क अच्छे से इसमें मिल चुका है, तो आप देख सकते हैं ये एक डो के रूप में आ गया है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो हम गैस को बिल्कुल धीरे कर देंगे। अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे से जले नहीं। और यहाँ पर ये अच्छे से आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे जब ये गाढ़ा हो जाएगा इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हमें प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ हमने इसको प्लेट में निकाल लिया था और ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लिया है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए गोल गोल करते जाना है और इसे एक लड्डू के रूप में तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक लड्डू के रूप में ये तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और जूसी है। इस लड्डू को हम सूखे नारियल के पाउडर में लपेट देंगे। इसे बिल्कुल भी हमें प्रेस नहीं करना है, लपेटते समय हल्के हाथों से ही लपेटना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे नारियल के लड्डू तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे व्रत में, त्योहार में, पूजा में बना सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।